जम्मू कश्मीर के जेवन इलाके में पुलिस की बस पर सोमवार एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें दो पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस जवान ने मंगलवार को दम तोड़ दिया और शहीदों की संख्या 3 हो गई है, तो वहीं 11 पुलिसकर्मी अब भी घायल हैं। श्रीनगर बस हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंगलवार को शहीद शफीक अली के लिए रियासी में पुष्पांजलि रखी गई। बता दें कि चैन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली उस बस पार्टी का हिस्सा थे जिस पर सोमवार को श्रीनगर में आतंकवादियों ने हमला किया था। शहीद पुलिस अफसर को श्रद्धांजलि देने कई अफसर वहां मौजूद थे। बड़े अफसरों से लेकर पुलिस जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मातृभूमि के लिए यूं जान न्योछावर करने वाले इन जवान शहीदों को शत शत नमन। वहीं एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां घटना में शहीद रमीज अहमद को भी श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस ने इस आतंकी हमले पर बात करते हुए बताया कि जैश ए मोहम्मद के बनाए गए कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के 3 आतंकियों की तरफ से अटैक को अंजाम दिया गया था। पुलिस की जवाबी एक्शन में एक आतंकी घायल हुआ है। श्रीनगर बस आतंकी हमले में सहायक उप निरीक्षक गुलाम हसन, शफीक अली और कांस्टेबल रमीज अहमद शहीद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट।